Now, speaking of a formidable task, yesterday something happened that has never happened in the Olympics before. We had a silver medal from India, Meerabai Chanu, who brought laurels to the country. We have a very special show for you. In fact, an interview coming up with Meerabai Chanu that we're going to show you right now. Let's hear what she had to say on this incredible accomplishment. सबसे पहले जीत का मजा किस तरह आ रहा है, मतलब जीतने के बाद सब जगह तारीफ हो रही है। मीराबाई अब एक कॉमन नाम बन गया है, जिस तरह से भारत में आपने पहला मेडल दिलाया, कैसे आप महसूस कर रही है और क्या कुछ मतलब अलग हो गया इस मेडल को जीतने के बाद? मैं तो इतना अलग नहीं हुई हूँ, मैं पहले जैसा ही ऐसे ही हूँ, पर खुशी तो बहुत ही ज्यादा हुआ है। जो हमने सपना देखा था ये ओलंपिक का मेडल लेना तो वो सपना पूरा हो गया है कल, तो बहुत खुश हूँ मैं, बता नहीं सकती। हमारी इतना 5 साल से हमने इसी दिन का हमने वेट करके आया था, इतना मेहनत किया था, तो वो सब कल मिल गई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सर का सपना जो है मैंने करके दिखाए हैं ओलंपिक में मेडल लेके, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मीराबाई, आप मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, पिछले 5 साल में लगभग 5 या 6 दिन ही आप अपने घर गई है, तो मतलब अब बेचैनी ये हो रही है कि मतलब एक बार वापस देश लौटूं और अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, इसके लिए बेचैन हो रही है आप टोक्यो में? हाँ जी, बहुत जल्दी मम्मी से मिलने का भी और पूरा फैमिली मिलने का बहुत भी मन कर रहा है। मैं सोच रही सीधा मणिपुर चले जाऊं तो बहुत मिस कर रहा है, बहुत जल्दी जाने का मन किया है, वो देखने का, सबको देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मीराबाई, प्रधानमंत्री जाने के पहले जब खिलाड़ियों से मिले थे तो प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी के पिताजी से पूछा था कि किस चक्की का आटा खाते हैं या किस चक्की का आटा आप खिलाड़ियों को खिलाते हैं, मतलब मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा, मणिपुर में ऐसी क्या खास बात है कि मणिपुर की चक्की में ऐसी कौन सी आटे है जिसके कारण हर बार मणिपुर में वेटलिफ्टिंग में हमें एक के बाद एक खिलाड़ी मिलता है? हम मणिपुर तो सब पता है, हम स्पाइसी ज्यादा खाते हैं। हम मणिपुर का जो भी लड़कियां है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से ही रहती है, ऐसा कुछ भी करने जाते हैं तो लड़की ही पहले ही आगे जाती है, तो बहुत मेहनत वाली होती है लड़कियां, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है पहले से ही हमारी, आगे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। मेरा पास मेरे मम्मी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मतलब हर चीजों में आगे रहती है, तो उनसे हमने सीखा है कि जो भी मणिपुर का लड़की जो है हम कुछ करने जाते हैं तो हम जो भी हमारी सपना है हम करके दिखा के ही रहना है, ऐसा हम अंदर से वो होते तो वही हमने करके दिखाया है, तो वही है। हम खाने का तो हम बस हम स्पाइसी ज्यादा लेते हैं, पर ज्यादा मेहनत ज्यादा हम करते हैं। मीराबाई, आपने स्पाइसी का बात किया तो आपके जो कोच थे जो आंध्र प्रदेश से आपके साथ एक तरह से ट्रेनिंग पार्टनर बन गए थे, जो आपके साथ टोक्यो नहीं आ पाए, कितना मिस किया उनको टोक्यो में और कितना मिस किया उनके स्पाइसी फूड को आपने? बहुत ही ज्यादा मिस किया है, जो हमारी मिशोर है अना, तो हम अना को भी बुलाते हैं, उसको हमारी मिशो है, तो वो खाना मुझे बहुत अच्छे से बना के खिलाते थे पटियाला में, बहुत मिस किया। मैं जब यूएसए में ट्रेनिंग किया था तो उनकी खाना उनकी वो लोग ने मेरा डाइट को बना के बनाती थी उन्होंने, तो बहुत मिस किया सबको, जो भी मेरे सपोर्ट किया है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस किया यूएसए में जब ट्रेनिंग किया था तो उनकी। अब मीरा, जब आप 2016 की तरफ एक बार रुक करते हैं, 2016 रियो ओलंपिक में 6 लिफ्ट है एक वेटलिफ्टर के पास, एक वेट कैटेगरी में आप सिर्फ एक लिफ्ट आपका सक्सेसफुल रहा, 5 अनसक्सेसफुल रहा उसके बाद का सफर, और 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में आपके 6 लिफ्ट
जिसमें 5 सही रहे। आखिर वाला लिफ्ट आपने 117 का ट्राई किया जो आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन इस सफर को आप कैसे देखेंगे, मतलब रियो से लेके टोक्यो तक का? जब भी रियो ओलंपिक में मैं फेल हुआ था तो क्लिनियन चेक में काफी कुछ तीनों में फेल हो गई थी, स्पेस में भी काफी कम किया था, नहीं कर पाई थी। और उसी टाइम में बहुत दुखी हुई थी कि मैंने इतना मेहनत किया था, उसी टाइम में भी मेरा फर्स्ट रियो ओलंपिक थे, तो इसीलिए मैं नर्वस भी ज्यादा हुआ। तो मैंने तो मैंने किया था उसी में भी, मैंने जब भी ट्रेनिंग भी किया था ऐसे ही सेम किया, पर तो मेरा भी मेडल थी रियो में, पर उसी दिन मेरा लकी नहीं हुआ, उसी दिन मेरा दिन नहीं थी, तो इसलिए मैं सोचने लगी मैं मेडल नहीं ले पाया। फिर दुखी तो मैं बहुत दिन तक रही थी कि कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, कि इतना मेहनत करने की बात में क्यों ऐसा हुआ था, सोचने में ही लगी थी मैं कुछ नहीं कर पाया था। तो बाद में सर ने विजय सर ने बहुत समझाया था मुझे, अभी आपको यंग है, आप आगे जा सकते हैं, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो सदैव सर ने भी मुझे बहुत समझाया, मेरा पास फैमिली ने बहुत समझाया, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके सामने मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप थी यूएसए में, तो उसी को मैं फोकस करके मैंने सीधा उसमें ही फोकस किया था कि मैं हाँ अभी सब कुछ भूल के जो भी हो गया तो हो गया, तो उसी को भूल के मैं सिर्फ यूएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप को मैं टारगेट किया था कि मैं कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी ऐसा करके। तो ना ट्रेनिंग में भी मैंने चेंज किया रियो की बात, जो भी मेरा अंदर में कमी है टेक्निक में और ट्रेनिंग वाइज सब कुछ मैंने चेंज किया, तो धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ और हर कॉम्पिटिशन में मैं अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी थी। और मैंने बहुत मेहनत किया था, पूरा ट्रेनिंग और मेरा डाइट उस सब में ही मैंने फोकस किया था। मीरा भाई मुझे एक चीज बताइए, मतलब आप खुशी हो या गम हमेशा हंसती रहती है, मतलब इस हंसी के पीछे का राज क्या है, मतलब ये कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए, मतलब जब आपको देखो मतलब अच्छा हुआ खराब हुआ, कल आपका जब लास्ट लिफ्ट हुआ नहीं तभी आपके चेहरे पे हंसी थी, मतलब इसके पीछे का राज क्या है? वैसे हमारे दिल को ऐसा शांति मिलती है मुझे मेरा दिल, क्योंकि हाँ एक प्लेयर्स हो तो हारना जीतना रहते हैं और पेन तो होते रहते हैं, तो उसी को फेस करना है। तो मैं जब भी हाँ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो तब थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्यों हुआ ऐसा हो जाते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ। बाकी टाइम में मुझे अच्छा हो ना हो मैं हंसती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भूलना है उसको, जो भी हो गया है उसको मैं साइड में रखना के लिए मैं हंसती रहती हूँ, क्योंकि वो भूल नहीं भूलेगी तो मेरा जो आगे का टारगेट किया है मैंने फोकस किया उसको मुझे सक्सेस नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा सोचती हूँ मैं हैप्पी ही रहूँ हर दिन। जो ट्रेनिंग अच्छा हुआ कंडीशन अच्छा नहीं हुआ वो सब मुझे इतना माइंड नहीं रखती, बस सिर्फ फोकस और मुझे खुद को हैप्पी रख देती okay. वो मुझे मीरा भाई अगर आपके बात करें, मतलब जब आपका रियो में जो हुआ और फिर टोक्यो तक का सफर, इसके बीच में जब आप टूट सी गई, मतलब जब आपको सफलता नहीं मिली आप टूट सी गई, तो मतलब आपने कहा कोचेस का बड़ा भूमिका थी, परिवार का कितना रोल था, मतलब परिवार में किसने आपको एक तरह से जिसे कहते हैं मोटिवेट करना, फिर या फिर किसने आपके अंदर वो जुनून वापस लाया कि कंटिन्यू करो कोशिश करो, 4 साल बाद आपके पास एज है एक और मौका मिलेगा, हम एक बार फिर एक फ्रेश स्टार्ट लेके कोशिश करते हैं और कुछ कर दिखाने की उम्मीद के साथ आगे बढ़े। सपोर्ट तो बहुत सारे लोगों ने मुझे किया है, मेरा खास विजय सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेशन दिया है सर ने, कि प्लेयर्स की जैसा हो नहीं मानते, जैसे फैमिली जैसा हम बात करते हैं समझाते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर ने मुझे बहुत सारी मोटिवेशन किया था कि आज अच्छे नहीं हुआ तो हम आगे बहुत सारी कुछ कर सकते, तो ऐसा। और फेडरेशन और फैमिली बहुत सपोर्ट किया है, तो उन लोगों की वजह से मैं आज इधर पहुंची हूँ, तो
फेडरेशन सर और फैमिली बहुत ही ज्यादा शुक्र उनकी वजह से आज इधर आए। मीरा भाई, अगर आज कल के मुकाबले की तरफ एक बार फिर मतलब एक बार फिर रिवाइंड करके उस मुकाबले को देखें, मतलब स्टार्टिंग से मुकाबले में एंटर करते हुए आपके पास वो कॉन्फिडेंस था कि मतलब ये मुकाबले में ये फाइट चाइना और भारत के बीच में रहेगा, या फिर आप बाकी प्रतिद्वंदियों को देखने के बाद आपको लगा कि नहीं, ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ रहेगा? हाँ, मैं गोल के लिए करना चाहिए तो थोड़ा सा टफ मिलती थी क्योंकि चाइना का लड़की स्नेस में थोड़ा सा उनका स्ट्रॉन्ग रही है पहले से ही। तो मैं पूरा मन में मैंने किया था कि मुझे भी गोल तक तो लेके जाऊंगी, मैं फाइट करूंगी गोल तक। सिल्वर और ब्रॉन्ज तो वो अलग चीज है, मतलब मेरा टारगेट तो मेरे पूरा गोल्ड में थे, तो मैं पूरा कोशिश किया था मैंने चाइना के साथ फाइट करने का, पर मेरा एक स्नेस में और खेलने जब मैं थोड़ा सा कमी रह गई थी तो उसके वजह से मैंने गोल नहीं ले पाई। फिर भी मैंने ट्राई किया था गोल के लिए। मीरा भाई, अगर कहते हैं कि मतलब ऊपर अगर परमेश्वर है, नीचे धरती है, तो बीच में खिलाड़ी का जुनून होता है जिसके कारण सफलता मिलती है, तो मतलब आप किस तरह देखती है मतलब अपने इस सफलता को, मतलब वो जुनून मतलब बरकरार रहा, मतलब किस तरह आपने उसको बरकरार रखा, मतलब इस जुनून को, क्योंकि बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो एक ओलंपिक के बाद अपने आपको उस तरह पिक करते हैं और मतलब उतनी ही जोरदार वापसी करते हैं बिल्कुल अगले ओलंपिक में। हाँ, मेरा दिल में भी वही है, मैं अभी इसी से खत्म नहीं हुआ है, मैं ये मेडल से और मुझे आगे जाने का मुझे पावर मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी आगे जा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो मैं ये मेडल से मैं खत्म नहीं हुआ है, मैं आगे तक और अच्छा करूंगी, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जो भी है मैं बहुत अच्छा खेलूंगी, तो ये मेडल से मुझे आगे तक जाने का रास्ता दिखाया है। ये मेडल ने जरूर आगे जाने का रास्ता मीराबाई को दिखाया, लेकिन मीराबाई अगर उस फाइनल में जिस तरह से आखिर में भारत बनाम चाइना मुकाबला हो गया था वो वेट कैटेगरी में, तो आपने कहीं एक बार आपके जहन में नहीं था एक 7 किलोग्राम का ओपनिंग है, क्या मैं एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अटेम्प्ट करूं और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करूं, या आपने ये बना लिया था कि मुझे पहले अपने सिल्वर को कंफर्म कर लिए, मतलब इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में सिल्वर के साथ ही समाप्त करना है? हाँ, सिल्वर तो मेरा पहले से ही कंफर्म हो गया बिल्कुल। था, उनकी खत्म हुआ था और एक स्टार्टिंग से कंफर्म तो हो गई थी, फिर भी ओलंपिक का रिकॉर्ड थी तो मैंने सबसे पहले 115 में रिकॉर्ड किया था, फिर चाइना ने 16 किया था, तो 17 में ही ओलंपिक का रिकॉर्ड थे, तो मैं उसी को रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मैंने ट्राई किया था, वो जोर लगाई थी पर मिस हो गया, तो हॉस्टल पर तो आ ही गई थी, तो बस मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा अचीव है ओके सिल्वर। मेरा भाई, जब आप मेडल लेने गई तो पहला बार मेडल्स में एक अलग रोल था, कोई मेडल देने वाला नहीं था, आपको खुद मेडल पहनना था, और दो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, एक तरफ चाइना जो गोल्ड जीतने में कामयाब रहा, दूसरी तरफ इंडोनेशिया का जो ब्रॉन्ज जीतने में। कैसा रहा आपका इंटरेक्शन इन दोनों खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा के बाद जब आप मेडल या फिर पोडियम पर खड़े होते हैं तो मतलब दोस्त बनते हैं, खिलाड़ियों की सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि वो एक बार फिर दोस्त बनते हैं, तो किस तरह का इंटरेक्शन रहा जब आप मेडल या फिर पोडियम पे एक साथ खड़े रहे? बहुत अच्छा रहा, जब मेडल लिया था तो हम साथ में अमित के हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते तो बहुत ही खुशी होते हैं उनको भी। ऐसा कंपटीशन के टाइम में अलग चीजें होते हैं, अलग माइंड में चले जाते हैं फाइट वो सब के लिए, तो बाद में हम सब खत्म होने के बाद तो हम साथ में हो जाते हैं कि सबको सेम ही है, तो हम जब मेडल लिया था तो उस टाइम बहुत खुश हुई थी हम तीनों मिलके, हमने कांग्रेस बोला था तो बहुत ही खुशी हुई थी, मुझे भी बहुत अच्छा मीरा भाई, किस तरह आपने सेलिब्रेट किया, मतलब आप टोक्यो में हैं लेकिन इस जीत के बाद कैसा रहा सेलिब्रेशंस, और क्या कुछ सेलिब्रेशंस हुआ वहाँ गेम्स विलेज में, और जो भारतीय दल है उनके साथ किस तरह सेलिब्रेट किया आपने? लगा। फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है इधर, सेलिब्रेट करने का भी अलाउड इतना नहीं थी, और बाकी प्लेयर्स ग्रुप में अभी सबको नहीं मिली हूँ क्योंकि सबका गेम शुरू है, कहीं ट्रेनिंग चले गए तो पूरा सबको नहीं मिल पाए हैं, तो बस
देखते हैं अब ये सब खत्म होने के बाद हम करेंगे सेलिब्रेट, बिग सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा मीरा भाई, आप इंटरव्यू दे दे के थक चुके हैं, इंटरव्यू सेल्फीज ये सब अब यू नो आपके लिए न्यू नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब जब आप भारत आएंगी नहीं, अभी टोक्यो में भी आपके साथ हो रहा है और आप हमारे साथ भी जुड़ी है, तो मतलब थक चुकी हैं ये सब करके कि आपको लग रहा है कि ये नया नॉर्मल है, अब तो मुझे बहुत सारा करना है और लगता है अगला 2-3 महीना इसी में निकल जाएगा। 2-3 महीने तो नहीं चाहिए, मुझे ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग अभी और करना है। तो हाँ अच्छा है, सबने मुझे इंटरव्यू दिया है तो ये भी जरूरी है क्योंकि सबको साथ होना तो अच्छा लगता है मुझे भी। पर कल ज्यादा थकी थी मैं क्योंकि 2 दिन से मैं खाना नहीं खाई थी मेरा वेट की वजह से, तो कल थोड़ा सा और ज्यादा हो गया था और कल नेट बहुत लेट हो गई थी नाइट भी, तो अभी थोड़ा सा थकी हुई हूँ मैं भी। तो चलिए आप थकी अच्छा हुई, है। चलिए आप थकी हुई है, मैं आपको ज्यादा देर और 5-7 मिनट आपको होल्ड करूंगा, लेकिन आपने जिस तरह का ये सफर आपका रहा है, मतलब अब आपके लिए अगली चुनौती क्या है? अभी तक ये तो अभी अक्टूबर में हमारे कमल चैंपियनशिप है, कमल गेम्स के लिए क्वालिफाइंग है, तो उसी को ये अभी अभी के लिए आगे। और मीरा भाई अगर आप देखें, मतलब बहुत सारे बधाइयों का सिलसिला आपके साथ लगा, आपसे प्रधानमंत्री ने बात की, आपसे खेल मंत्री ने बात की, मतलब आपके साथ एक तरह से फोन का तांता लग गया, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आपको फोन किया, तो मतलब आप लोगों ने आपसे, प्रधानमंत्री ने आपसे क्या बात की, मतलब बधाई दी तो क्या दी, क्या स्पेशल कहा उन्होंने आपसे? स्पेशल तो वही है, मुझे सपना ही लगे थे सर ने मुझे कॉल करके बधाई दे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, पूरा सपना जैसा ही लगते हो कि सर ने मुझे कॉल करके बधाई दिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है, तो कोई यही है मेरे लिए स्पेशल। और जाने से पहले प्रधानमंत्री 2 बार खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी, आप लोगों से पूछा था क्या कुछ चाहिए, अब जब आपको मेडल मिला तो प्रधानमंत्री ने आपको पूछा कि अब क्या चाहिए या फिर अब आपके लिए अगला चैलेंज क्या है? अभी बात जाके हम बात करेंगे, अब तक तो ऐसा बात हुआ नहीं है, तो मिलने की टाइम में हम बात करेंगे। मीरा भाई जब वेट लिफ्टिंग की बात आती है, वेट लिफ्टिंग हमेशा से कंट्रोवर्सी में, कभी ना हमेशा से भारत के लिए एक कंट्रोवर्शियल स्पोर्ट रहा है, तो इस स्पोर्ट में आपने जिस तरह से भूमिका, मतलब एक एम्बेसडर के रूप में, और आपने जिस तरह से इस खेल की छवि को एक तरह से सुधारने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, कैसे देखते हैं अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर वेट लिफ्टिंग के लिए, भारत का नेतृत्व फिर या फिर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए? और मुझे बहुत खुशी हुई है कि अभी हाँ वेट लिफ्टिंग जो इवेंट है वो किसी ने इतना पता भी नहीं है वेट लिफ्टिंग, तो अभी से शायद आई होप सपने पता चले होंगे वेट लिफ्टिंग क्या होती है कैसे करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है वेट लिफ्टिंग को आगे लेके जाने में मुझे और सपोर्ट मिला है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये वेट लिफ्टिंग आज से खास लड़कियाँ लोग भी आके ट्रेनिंग करें हमारे साथ, मेरे साथ होके ट्रेनिंग करके वेट लिफ्टिंग को और ऊपर करते हैं, वेट लिफ्टिंग के नाम को, इंडिया के नाम को, तो बस यही यही बोलना चाहती हूँ। अच्छा मेरा भाई, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक फिल्म की जरूर भूमिका होती है, क्या बात हुई है किसी ने आपसे कि कोई फिल्म बनेगी मीरा भाई के सफर पर या फिर मीरा भाई के जर्नी पर, कोई फिल्म बनेगी या फिर बॉलीवुड फिल्म बनेगी, तो आप किसे देखेंगे अपने रोल में? अभी तक तो मेरे पास ऐसे कुछ नहीं आए हैं, मुझे सबका पता नहीं जो बाद में होगा हो जाएगा। चलिए मीरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, आपकी सफलता के लिए आपको बधाई, और आपने कहा कि आपका सफर यहाँ समाप्त नहीं होता, आपका सफर और लंबा है और आपको उसके लिए ज्यादा समय, सेलिब्रेशन के लिए नहीं, ज्यादा समय आपको एक बार फिर कैंप पे आने या फिर ट्रेनिंग पर वापस आने के लिए आप जोर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए टोक्यो सी। तो ये थे हमारे साथ मीरा भाई चानू, टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विजेता, 49 किलोग्राम कैटेगरी में एक जबरदस्त प्रदर्शन।